और मैं अब आपको ना अंदर का रूम दिखाता हूँ, ठीक है? हम लोग एक रूम पे 8 लोग हैं, ठीक है? मैं बात दिखाता हूँ आपको। क्या दिखाने ला रहे हो तुम साला? हर वक्त मेरी पैंट उतारो तुम। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। पूरा ग्रुप आ चुका है और पूरा लाइनअप आ चुका है। गाइज देखो, जो मैं अभी तक आपसे सरप्राइज की बात कर रहा था ना, हेयर इज द सरप्राइज, तो यार यही थी भाई कावासाकी निंजा 300 जो आप लोग ने कल के व्लॉग में भी देखी होगी। तो सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और यार हमारी राइड तो शुरू हो चुकी है। मैं अपने टाइम के हिसाब से खटीमा टोल गेट के पास पहुंच चुका हूं और वो लोग भी वहां से आई थिंक आ गए हैं। और मुझे अभी ये भी नहीं पता कि हमारे साथ कौन कौन आने वाला है, ना ही मुझे ये पता कि हमारा लाइनअप कैसा होने वाला है, कि उसमें कौन कौन सी बाइक्स हैं। तो डैट विल बी सरप्राइज फॉर यू। एंड यस, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि बहुत सारी बाइक्स होने वाली हैं यहाँ, लगभग 5-6 तो होने वाली हैं, शायद 7-8 भी हो सकते हैं, ठीक है? आई डोंट नो। जैकेट दो जैकेट। सो यस गाइस, देखो हमारा ग्रुप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले ये भैया आए थे, हमने वैसे तो मतलब हम लोग मिल चुके हैं, बट ऑन कैमरा पूरा ग्रुप आ चुका है और पूरा लाइनअप आ चुका है। जॉर्डन मॉर्निंग मॉर्निंग आप, अरे बाइक तो कम हो गई, मैं यहाँ कह रहा हूँ बाइक बढ़ जाएगी, यहाँ कम हो गई भाई। ये गाड़ी है निंजा 300। निंजा 300 यहीं वाला बंदा है क्या? कल मिला था वो मुझे। हेलो, अच्छे ओके। अरे जॉर्डन आप हो तो मैंने उनको बता रखा है, समझ नहीं आ रहा है। ये बंदा गड़बड़ हो गया बोल के। यार देखो हमारी सारी बाइक्स आ चुकी हैं, FG 250, Duke 390 और एक हमारे पास बुलेट है, एक CBR 250, ठीक है? अच्छा और से भी मिल लेते हैं यार, और मैं किन किन से नहीं मिला हूँ। ओके ब्रदर, कैसे हो? रुपेश, आप कैसे? मैं बढ़िया, सुमित सर। सबके पास कैमरा है तो सबके साथ मजा आएगा, ठीक है? देर वी हैव MT 15 एंड 1 Royal Enfield 350। तो भाई एक बाइक और आने वाली है हमारे पास, जहाँ तक मुझे अभी इन्होंने बताया कि हमारे साथ में एक Ninja 300 भी आने वाली है, जो मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाई थी, आई थिंक वही आने वाली है। सो लेट्स सी गाइस, ठीक है क्या रहता है। तो चलो तब तक मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर सब लोग ने अपने अपने गियर पहन रहे हैं। तो यार देखो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी राइड आज होने वाली है मुक्तेश्वर तक, और ये हमारा पूरा लाइनअप है। ही इज़ जॉर्डन भैया, जो मैंने आपको कल ब्लॉग में भी दिखाए होंगे। तो ये ऐसा कुछ लाइनअप है। और हमारे पास अभी कावासाकी निंजा भी आने वाली है। जो निंजा वाला भाई है ना, वो तो अभी आ नहीं पा रहा है, वो थोड़ी देर में आएगा, वो हमें हमारे नाश्ते वाले पॉइंट पे मिलने वाला है। ओके गाइस देखो यार, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और मैं बीच में हूँ, मुझे बीच पे रखा गया, और जॉर्डन भैया जो है सबसे पहले हैं और सबसे टेल पे है हिमालय भैया, ठीक है? और भाई निकलते निकलते ना 9:20 हो चुके हैं। और यार जो हमारी ब्रीफिंग है ना, उसके हिसाब से हमें जो है 80 की स्पीड मेंटेन करनी है, ज़्यादा ओवरटेकिंग नहीं करनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रेस ड्राइविंग नहीं करनी है, ऐसा ऐसा कुछ जॉर्डन भाई ने बताया कि हमने ना ऐसे ऐसे तरीके से चलना है करके। तो दैट्स द थिंग। ओके तो यार देखो हम लोग इसलिए रुके क्योंकि मुझे ना फ्यूल फिल करना था। ओके तो कितने का होने वाला है? हाँ 15 लीटर की है। इसमें कितना लीटर आया? 11 लीटर आया ना, 11.5। तो मैंने तेल भरा लिया, नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर। और यार 1100 रुपये का आया। और यार जॉर्डन भैया की बाइक क्या लगती है यार, यूज। पहुंच चुके हैं सितारगंज। यार देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, 9:44 हो रखे हैं, 10 बजने वाला है और हम लोग पहुंच गए हैं सितारगंज। अब यहां से हम लोग मुड़ेंगे राइट की तरफ को, चोर गलिया होते हुए जाने वाले हैं। तो यार देखो ग्रुप में राइड करने का ना एक अपना ही अलग मज़ा है, कोऑर्डिनेशन के साथ चला जाता है। जब जो फ्रंट में बंदा होता है ना, वो अगर रुको कहेगा तो वी हैव टू स्टॉप, ठीक है? कुछ भी दिक्कत हो तो मतलब वो आगे से हमें बता देगा और हम लोग ने उसे फॉलो करना पड़ता है। तो यार ये होता है भाई ग्रुप में राइड करने का मज़ा ना, यहाँ पर को आप लोग रेस ड्राइविंग वगैरह नहीं कर सकते हो, और वो अच्छा भी है यार। तो यार देखो ये है चोर गलिया, हम लोग चोर गलिया पहुँच गए हैं और भाई टाइम से पहुँचे हैं, ठीक है? अभी 10:15 हो रहा है, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से अभी हल्द्वानी लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। और यार बताए एक बहुत ही दुख वाली बात बताऊँ मैं आपको,
कि मैं अपना ना इंस्टा 360 शायद अपने घर ही भूल के आ गया हूँ यार। ठीक है, तो यार अब जो मैं सोच रखा था ना, मैं ऐसे रील बनाऊंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा, तो वो तो अब शायद ही हो पाएगा। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक GoPro का सहारा है, बाकी मेरा इंस्टा 360 घर ही है, और भाई उसमें ना मेमोरी कार्ड भी वही है, तो मेरे पास बस अब एक ही मेमोरी कार्ड है यार, बताएं। और यार ये देखो, ये चोर गलिया का जंगल यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और भाई जो पूरी धुंध हो रखी है ना, कितनी खतरनाक हो रखी है यार। और यार ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ओके गाइस, देखो हम लोग पहुंच चुके हैं दानी बंगर, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं नाश्ता। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं दानी बंगर, और यहाँ पर को हमारा क्या होने वाला है, नाश्ता। ठीक है, दिस इज़ द लोकेशन, ये ऐसी लोकेशन है। बाय द वे, हमने नाश्ते में बोला क्या है? अभी चाय बोली फिलहाल, चाय और पकौड़ी। अच्छा, और यार जो मैं अभी आप लोग से कह रहा था ना, मेरा इंस्टा 360 गुम हो गया है, या फिर मैं भूल के आ गया हूँ, बट वो देखो ये यहाँ पर है। एक्चुअली वो ना मेरे बैग के अंदर ही कहीं पर को था, मुझे ध्यान ही नहीं था। यार ये जगह इतनी प्यारी है ना, देखो। तो गाइस देखो यार, हमने यहाँ पर को ब्रेकफास्ट तो कर लिया, ब्रेकफास्ट में सिर्फ हमने चाय और पकौड़ी करी। तो और भाई ये देखो यार, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, दिस इज़ द थिंग भाई। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। सो यस गाइस, देखो जो मैं बात कर रहा था कल, यही तो बंदा था वो। गाइस देखो, जो मैं अभी तक आपसे सरप्राइज की बात कर रहा था ना, हेयर इज द सरप्राइज। तो यार यही थी भाई कावासाकी निंजा 300, जो आप लोग ने कल के व्लॉग में भी देखी होगी। तो चलो फिर चलते हैं, ये दोनों भाई लोग आ रखे हैं। तो ये देखो यार, हमारे सामने पे चल रही है कावासाकी निंजा 300, और भाई अभी तो ये ना इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ग्रैब कर रही है, एक इसका एग्जॉस्ट भाई अल्टीमेट यार, चार चार हो गए भाई ग्रुप में। तो यार देखो, हम लोग बस भीमताल पहुँचे जाते हैं, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। जो लाइनअप है ना, वो अब बहुत ही अच्छा हो गया है निंजा के आने के बाद यार, क्योंकि ना अभी तक सिर्फ एक मैं ही फास्ट था, और CBR भी थी, बट नाउ निंजा, यस। और क्या सूदिंग सी आवाज़ निकालते हुए जा रही है, मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि मैं पीछे ही रहूँ भाई। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, और यार अभी ना 1 बज गए हैं। तो ये है गाइस देखो खुटानी बैंड, और हमने यहाँ से राइट को मुड़ना है लोहाघाट की तरफ को, क्योंकि धाना चुली ना यहीं से पड़ता है। तो अब यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है यार। ठीक है, और सभी लोग आ चुके हैं, अभी 2 बाइक शायद हमारे ग्रुप में नहीं है, वो लोग भवाली होते हुए ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको ग्राफिक अरेस्ट कराना था। तो यस, और यार भाई अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही सही वेदर भी पता है, बहुत सही हो गया है। और आपको पता ही है भाई, रोड तो अच्छी है ही, दूसरी हमारी गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं। Thank you.
तो यार देखो, दिन भर की राइड करके ना फाइनली हम लोग हमारे होटल पे पहुंच गए। एक्चुअली ये होटल भी नहीं, हॉस्टल टाइप का है। द हॉस्टलर नाम भी हुआ, द हॉस्टलर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। और अभी यहाँ से सारी बाइक्स उभर गई हैं, ये देखो सारी बाइक्स से ना पूरा भर गया है। यहाँ पे भी बाइक्स, बट हमारी बाइक सारी इधर पर है। सो यस गाइस, देखो हम लोग पहुँच चुके हैं यार, ठीक है, हमारे होटल पे। और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और मैं अब आपको ना अंदर का रूम दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग एक रूम पे 8 लोग हैं और ये पूरा बंक बेड टाइप है, ठीक है। मैं बस दिखाता हूँ आपको। क्या दिखाने ला रहे हो, क्या दिखाने ला रहे हो तुम साला, हर वक्त मेरी पैंट उतार रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो यार ये देखो, ऐसा कुछ हमारा रूम है। और यहाँ पे कितने 8 बंक बेड है ना। तो दिस इज माई, और ये विलास कह रहा हूँ यार, विकास भैया, जॉर्डन ही सही है मेरे लिए, ठीक है। तो ये देखो यार, कुछ इस तरीके का रूम है। मुझे ऐसा लगता है ना रात को ज़्यादा फन आएगा यहाँ पर को, अभी तो ठीक ही लग रहा है। तो देखो आप यहाँ पे को ना टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। अभी तो मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ यार, ठीक है, इसलिए थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ। बट यस, थोड़ा चार्ज होने के बाद आई विल बी फाइन। और ये देखो, ये पूरा ऐसा कुछ लिखा, रिसेप्शन काइंड है, ठीक है। अरे तू कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। से हाई टू माई ऑडियंस। हाई हाई हाई। अरे वाह, यस यस यस, अब काटना मत, चल बस बहुत हो गया। ओके चल, बहुत हो गया। तो ये देखो इन लोग को, ये तो शुरू हो चुके हैं। अब आज रात भर ये लोग यही खेलने वाले हैं क्या? तो यार देखो वो बॉल ले गया, फुल टेबल होती तो मजा आता। बॉल ले गया। शाम हो चुकी है और अभी फिलहाल मुक्तेश्वर जाने का प्लान है। यहाँ से अभी 10 किलोमीटर है मुक्तेश्वर, सनसेट तो यही हो गया है, वहाँ तो खाली है, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। और यार वो निंजा की लाइट देखो यार, अभी भी ओल्ड स्कूल है पर भाई क्या लगती है, और आवाज़ तो बहुत ही आधा। देखो भाई क्या प्यारी लग रही है यार, ग्रीन मॉन्स्टर। ये देखो ब्यूटी, बहुत ही प्यारी लग रही है, और आवाज़ तो इतनी प्यारी कर रही है ना। और इसका एक बार टायर चेकआउट करो यार, मैं कल कह रहा था ना इसका साइज बड़ा है, तो ये 170 है इसका टायर साइज। आओ फिर आओ। अरे यार देखो भाई, हम लोग सनसेट देखने के लिए जा रहे थे ना, सनसेट तो यहीं से दिख जा रहा है भाई, प्यारा सा। ओके तो यार यहीं पर रुक जाए क्या? मैं कह रहा हूँ सनसेट तो यहीं से दिख जा रहा है, ठीक है। तो ओके गाइस, देखो यार हम लोग अभी मुक्तेश्वर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुक्तेश्वर में हमें खाने वगैरह का कुछ मिलेगा नहीं, और वहाँ अभी जाके कुछ फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग यहीं पर ही खाना वगैरह खा लें। तो यस देखो, हमारा डिनर तो अभी 5 बजे हो रहा है, 5 बजे 6 बज रहे हैं, 6:30, ठीक है। और बट वी आर हैविंग कढ़ाई चिकन और बटर चिकन शायद, उसके साथ रोटी, और कुछ लोग वेज वाले भी हैं जो बाहर बैठ के खा रहे हैं। खाना वगैरह खा लिया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और लगभग 7:30 हो गया है। अब भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया यार, 9 किलोमीटर है और बहुत ही भयंकर ठंडा होने लग गया यहाँ पे। तो क्या गाइस, देखो यार आ गए होटल पे। का दिन भाई बहुत ही अच्छे से गया, ठीक है। आज हम लोग मुक्तेश्वर पहुँचे नहीं, वैसे हम परसों को वहाँ जाएंगे। अभी प्लान है कि बॉनफायर वगैरह करेंगे। तेरी सूरत है कि सांदी सोता काबिलो, मेरे दिल का सोना भी है ये तेरी चांद बालियां, रोटो पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां, रोटो पे ये गालियां, रोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे बोलिया, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, मॉर्निंग यार छोड़ेंगे,
साथ ना छोड़ेंगे। सो यस गाइस, देखो मैं तो अपने आसन में आ गया हूँ और मैं ऊपर सो रहा हूँ, ठीक है। बंग बैठे हैं यहाँ सारे, सब लोग सो गए हैं और मैं ऊपर सोया हूँ भाई। बहुत ही मस्त है यार, देखो ना यहाँ क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे लाइट है, लाइट है, और यहाँ पे कोई स्पेस है आप जो भी मतलब ये सब सामान रखने के लिए, और दो तकिए दे रखे हैं और एक रजाई। भाई बहुत ही मस्त मज़ा आ रहा है यार, ठीक है। हॉस्टल अमेजिंग भाई, ठीक है। अभी तो ये पूरा ग्रुप हमारा ही है, नहीं तो यहाँ पर वो ना सब लोग अलग अलग आए रहे थे, तो वो उसका भी एक अलग मज़ा है। और अभी रात के 11 बजे होंगे, अभी तक व्लॉग ही चल रहा है मेरा। अब आपको कल को मिलते हैं, बाकी आपको बताया व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं इस वाले दिन का। कल का प्लान कुछ ऐसा है कि मे बी हम लोग नैनीताल जाएंगे या फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, ठीक है। मतलब आसपास ही जाएंगे बट कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।